मकर राशि वालों नमस्कार। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपका पूरा घर पैसों से भर जाएगा, मात्र एक बार यह वीडियो देख लो। हम गारंटी के साथ रहते हैं कि आप सभी के जीवन काल में पैसों से जुड़े जो भी समस्या है वह जड़ से खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण बात आप सभी को बताने वाले जो आप सभी के जीवन के लिए सबसे ज्यादा भाग्यशाली होंगी। बस इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आगे की ऐसा वीडियो रोज रोज नहीं बनता है दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के जितने भी सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। यकीन मनी आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुख, सारे कष्ट, संकट, समस्याएं और जो भी जिंदगी में दर्दनाक पीड़ाएं चल रही है सब कुछ समाप्त हो जाएंगे। मेरे मित्रों, आप सभी का ज्योतिष के इस बेहद ही खास और आपकी जिंदगी से जुड़े हुए कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों पैसों से आपका पूरा घर भर जाएगा, इस बात की हम 100% गारंटी देते हैं। ना केवल पैसा आएगा बल्कि आपके दुश्मन भी अब आपके आगे घुटने टेक देंगे, सर झुकाएंगे। जो दोस्तों बस आपको करना होगा रामनवमी से पहले यह एक का दोस्तों यकीन मानिए कि यह ज्योतिष कार्यक्रम आपकी किस्मत चमकाने वाला ज्योतिष कार्यक्रम है, इसलिए इस ज्योतिष कार्यक्रम को आपको पूरा देखना है और जो भी बातें हम आपको बता रहे हैं उन बातों को अच्छी तरह से समझकर अपनी जिंदगी में उतारना है। दोस्तों इस तरह की ज्योतिष कार्यक्रम या फिर ऐसा क्या रोज प्राप्त नहीं होता है, कभी कभार ही इस तरह का विशेष और गुप्त ज्ञान आपको प्राप्त होता है। तो हमारा आपसे निवेदन है कि पूरे हरि के साथ ठंडे दिमाग से इस ज्योतिष कार्यक्रम को देखना है और समझने का प्रयास करना है। दोस्तों जब आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को देखेंगे तो आपको कुछ ऐसी कमियों के बारे में, कुछ ऐसी बातों के बारे में पता चलेगा जिनको अब तक आप नहीं जानते थे। यदि आप जानते होते तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट, दुख, तकलीफ नहीं होता। दोस्तों खास तौर से पैसे रुपए को लेकर समस्या आपके जीवन में होती ही नहीं। दोस्तों यकीन मानिए जो लोग इन बातों को जानते और समझते हैं वे लोग धीरे धीरे अपने जीवन को पूरी तरह से बदल देते हैं और किस्मत वाले या भाग्यवान लोग कहे जाते हैं। तो अब आपका भी यह हक बनता है कि आप इन बातों के बारे में जानें और अपनी जिंदगी को अपने हाथों से बदल डालें। दोस्तों आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि जहां समाज में कुछ लोग केवल रोजी रोटी के जुगाड़ में लगे रहते हैं, अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए भी भयंकर मेहनत, परेशानी और कष्ट सहते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी बहुत ही सुकून और आराम से गुजर रही होती है। हालांकि भी लोग इतनी मेहनत भी नहीं कर रहे होते हैं, इतना दिमाग में टेंशन भी नहीं लेते हैं, लेकिन उनके काम बड़ी आसानी से बन जाते हैं। खास तौर से रुपए पैसे को लेकर तो उनके जीवन में किसी भी प्रकार की खींचतान होती ही नहीं है। अब ऐसा क्यों होता है? दोस्तों मेहनत तो सभी करते हैं, आप भी करते हैं और दूसरे लोग भी करते हैं, लेकिन दूसरों को अधिक फल क्यों प्राप्त होते हैं? उनका दिमाग इस तरह से क्यों चलता है कि उनकी बनाई हर एक योजना कामयाब हो जाती है और उन्हें अच्छा धन, लाभ, मान सम्मान सब कुछ दिलाती है जो उन्हें जरूरत है? दोस्तों इसका असली कारण यह है कि वह लोग न केवल कार्य करती हैं बल्कि कुछ ऐसे जरूरी गुप्त उपाय या यूं कहें कि गुप्त क्रियाएं भी करते हैं जिनके बारे में भी किसी से चर्चा तो नहीं करती हैं, लेकिन उनके लिए आव का उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव होता है। निर्दोष तो यकीन मानिए कि जो भी बातें हम आपको बता रहे हैं अभी बातें एक एक शब्द पत्थर की लकीर है और बिल्कुल सत्य है, और इस बात का प्रमाण आपको आगे ज्योतिष कार्यक्रम देखने पर खुद ब खुद मिल जाएगा। यह ज्योतिष कार्यक्रम एक ऐसा ज्योतिष कार्यक्रम है दोस्तों जो रातों रात किसी की किस्मत बदल सकता है। बस जरूरत है तो इस ज्योतिष कार्यक्रम में बताई गई बातों को अच्छी तरह से समझने की। दोस्तों हम आपके लिए सर्वोत्तम से सर्वोत्तम ज्ञान अपने ज्योतिष कार्यक्रम के माध्यम से लेकर आते रहते हैं, लेकिन उनमें भी इस ज्योतिष कार्यक्रम को हम नगीना कहेंगे, एक हीरा कहेंगे, क्योंकि यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने का दम रखता है। तो बस दोस्तों आपको ढेर के साथ इस ज्योतिष कार्यक्रम को देखना है और अंत तक बने रहना है, क्योंकि इस ज्योतिष कार्यक्रम में अंत तक आपको बातें जो बताई जाएंगी वह बेहद ही महत्वपूर्ण होगी।
अब यदि आपने इस ज्योतिष कार्यक्रम को जल्दबाजी में देखा, ये किसी और काम को करते करते देखा, तो हो सकता है कि आपको सारी बातें समझ में आई ही ना। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा ध्यान के साथ देखें और अंत तक, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े। यदि आपने ज्योतिष कार्यक्रम को बीच में छोड़ दिया तो आधी अधूरी जानकारी आपको प्राप्त होगी और आपको लगेगा कि आपने जो भी ज्ञान हासिल किया वह किसी काम का नहीं है। तेरी दोस्तों, ज्ञान तो जब पूरा होता है तभी काम का होता है, अधूरा ज्ञान तो किसी काम का तो होता ही नहीं है, उल्टा वह खतरनाक भी होता है। ये दोस्तों, आप ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखिए। चलिए भाई, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। लेकिन आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां तारा अवश्य लिखें। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आपके ऊपर मां की कृपा हमेशा बनी रहेगी। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे आप हमारे चैनल परिवार के सदस्य भी बन जाएंगे और हमारा मनोबल भी बढ़ेगा। तो अब हम आगे आपको बताने जा रहे हैं कि कौन से गुप्त उपाय और तेलियां हैं जिन्हें आप रामनवमी से पहले यदि करते हैं। माता लक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर बरसेगी, धन दौलत की तो आपके ऊपर बारिश ही हो जाएगी। साथ ही साथ आपको मानसिक सुकून और समाज में इज्जत और आपका सम्मान भी बढ़ेगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है, आपके मन में यह प्रश्न तो उठ ही रहा होगा। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इन बातों के बारे में लोगों को अक्सर कोई ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि यह ज्ञान मुफ्त में नहीं मिलता है। कई तरह के ज्योतिषाचार्य और जानी मानी वास्तु एक्सपर्ट इस ज्ञान को देने के बदले में बहुत मोटी मोटी फीस लोगों से वसूल करते हैं। तभी लोगों को इन बातों के बारे में पता चलता है, और जो लोग इन बातों के बारे में जानते हैं वह कभी किसी को इस विषय पर कोई जानकारी देते नहीं है। इसका कारण ये दोस्तों, एक तो जो आप उपाय कर रहे हैं, जो आप क्रियाएं कर रहे हैं, गुप्त रखना बेहद जरूरी होता है, तभी वे फलित होती हैं। दूसरा कि उन्होंने जब इसके पैसे दिए हैं तो वे आपको मुफ्त में ये ज्ञान क्यों देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इन बातों से आपको ये समझ में आ गया कि इन बातों के बारे में अब तक आपको पता क्यों नहीं चला था। अब एक बात और हम आपको बता दें कि यह ज्योतिष कार्यक्रम आपको अभी देखना आवश्यक क्यों है, क्योंकि दोस्तों जल्दी ही रामनवमी आने वाली है और आप जानते हैं कि रामनवमी का महत्व एक इंसान के जीवन में, खास तौर से एक सनातनी के जीवन में कितना अधिक होता है। अब सीधे तौर पर यदि देखा जाए तो लोगों को यह जानकारी है कि रामनवमी पर माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है, लेकिन दोस्तों यह रामनवमी का पूरा ज्ञान नहीं है। क्या आप जानते हैं कि रामनवमी पर भगवान धन्वंतरी की भी पूजा की जाती है, हनुमान जी की विशेष पूजा पाठ की जाती है, साथ ही साथ मां अन्नपूर्णा की भी विशेष पूजा पाठ का विधान होता है, और इसी के साथ साथ पूरे शिव परिवार का भी विशेष पूजा पाठ का विधान होता है। दोस्तों के साथ ही साथ दोस्तों, भगवान को वीर की भी पूजा पाठ का विशेष विधान होता है। लेकिन आपको इन सब विषयों पर अधिक जानकारी नहीं है, बस आपको तो यही पता है कि सीधे सीधे बस लक्ष्मी की पूजा पाठ करनी है और हमारा काम समाप्त हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा होता नहीं है कि आप तो पिछले कई वर्षों से माता लक्ष्मी की नियम से पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं, लेकिन क्या आपके जीवन में बदलाव आए हैं, क्या आपके जीवन में मनचाहे परिवर्तन हुए हैं? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं हुए हैं, क्योंकि आपको पूरी बात पता ही नहीं है। तो आज हम आपको पूरी बात बताने जा रहे हैं, विस्तार से बताने जा रहे हैं। बस आपको सब कुछ समझना है और फिर जैसा हम बताएं वैसा आपको क्रियाएं अपने जीवन में करनी है, फिर देखिए चमत्कार होगा। हम गारंटी देते हैं कि इस बार के रामनवमी के बाद आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कष्ट नहीं रहेंगे। खास तौर से धन संपत्ति को लेकर दो कोई भी समस्या आपके जीवन में आएगी ही नहीं। जी हां दोस्तों, तो अब ध्यान से सुनिए। पहला उपाय हम आपको हनुमान जी से जुड़ा हुआ बताने जा रहे हैं। क्या आपको पता है कि रामनवमी पर हनुमान जी का एक बहुत ही गुप्त उपाय है, जिसे यदि आपने कर लिया तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। इस बात की गाड़ी देते हैं इस उपाय को। यदि आपने कर लिया सच्चे मन के साथ, पूरे भाव के साथ, तो यह उपाय पूरे वर्ष भर आपके जीवन को खुशियों से भर देगा और हर एक बुरी नजर और तांत्रिक क्रिया से आपको बचा कर रखिएगा। क्या आपको पता है कि हनुमान जी का जन्म वर्ष में दो बार मनाया जाता है,
पहला जन्मदिन हनुमान जी का चित्र मास में आता है, लेकिन दूसरा जन्मदिन हनुमान जी का रामनवमी से ठीक एक दिन पहले आता है। अब दूसरे जन्मदिन की कहानी ये है कि माता सीता हनुमान जी के प्रेम, सेवा और समर्पण के भाव से इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने हनुमान जी को अमरता का वरदान प्रदान कर दिया, और यह वरदान हनुमान जी को जो प्राप्त हुआ उस दिन नरक चतुर्दशी का दिन था, इसलिए इस दिन का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, इस दिन के बारे में और इस कथा के बारे में लोगों को बहुत ही कम ज्ञान है, तो लोग इस दिन का लाभ ले नहीं पाते हैं, तो हम आपको बताने जा रहे हैं इस दिन का एक विशेष उपाय। दोस्तों, यह उपाय बेहद ही कारगर है और बहुत ही प्रमाणित है। इस उपाय को जिसने भी किया उसका जीवन 100% में बदल गया। दोस्तों, याद रखना कि हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिनकी मृत्यु नहीं हुई है। आज भी हमारे धरती लोग प्रवास करते हैं और उनकी शक्ति के बारे में सभी जानते हैं कि उनकी कृपा कितनी आसानी से प्राप्त हो जाती है। बस भाव की आवश्यकता है। तू अब ध्यान से सुनिए, उपाय करने में आपको मेहनत जरूर करनी होगी दोस्तों, लेकिन एक दिन की मेहनत आपको जीवन भर सुख दे कि हम इस बात की गारंटी देते हैं। तो उपाय को ध्यान से सुनिए, आपको करना क्या है अब ध्यान से सुने दोस्तों। नरक चतुर्दशी के दिन आपको रात्रि को 9 बजे यह उपाय प्रारंभ करना है। अब इस उपाय को प्रारंभ करने से पहले आपको नहा धोकर सच हो जाना है और अपने घर की हर एक कोने में, पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव कर देना है, ताकि आपके घर में शुद्धता और स्वच्छता का माहौल निर्मित हो जाए, क्योंकि हनुमान जी की शक्ति अब आपके घर में प्रवेश करेगी। अब इस दिन आपको लाल रंग के वस्त्र पहने हैं और लाल रंग के आसन पर ही बैठना है। आपको एक चौकी रखनी है और उस चौकी पर भी आपको लाल रंग का पूरा कपड़ा बिछाना है, और जो भी फोटो आपके पूजा घर में हनुमान जी की है उस चौकी पर आपको उस फोटो को रखना है। यदि मूर्ति है तो ठीक है, अन्यथा फोटो से भी काम चल जाएगा, उस फोटो को आप रहेंगे। अब आपको चाहिए लाल रंग का ही प्रसाद और लाल रंग ही पुष्पक, साथ ही साथ एक लोटे में आपको जल्दी चाहिए, क्योंकि यह जल अभिमंत्रित होगा, हनुमान जी की शक्ति से परिपूर्ण हो जाएगा। तो इस जल का विशेष प्रयोग है, उपाय के दौरान आपको करना है, हम आगे आपको बताने जा रही हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको तुलसी की पत्तियों की एक छोटी सी माला भी बनानी है जो हनुमान जी को आप अर्पित करेंगे। अब दोस्तों, आपको इस उपाय के लिए 9 दीपक की आवश्यकता रहेगी। मिट्टी के दीपक होनी चाहिए, जिसमें से 8 दीपक छोटे होंगे, लेकिन 9 दीपक बड़ा होगा, काफी बड़ा होगा, क्योंकि उसे लंबे समय तक जगना होगा। 9वीं दीपक को आप सरसों के तेल से भरेंगे और 8 लोगों को आप गाय के घी से भरे के। जी हां दोस्तों, यह 8 और 9 दीपक हनुमान जी की अष्ट सिद्धि नव निधि को समर्पित रहेंगे। दोस्तों, हर एक दीपक में आपको एक एक इलायची और 119 का जोड़ा डाल देना है। अब दोस्तों, आपको हनुमान जी की पूजा पाठ प्रारंभ करनी है। हनुमान जी की जो पूजा पाठ प्रारंभ करेंगे, उससे पहले आपको 21 बार सीताराम 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 इस तरह से जाप कर लेना है। दोस्तों, ये बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, आप ध्यान से सुनिए क्या करना है। सबसे पहले आपको बड़ा वाला दीपक, जो सरसों के तेल वाला है, उसे आपको प्रचलित करना है। वह आपकी उपाय की प्रक्रिया के दौरान लगातार जलता रहेगा, और 8 दीपक जो आपको हमने बताए गाय के घी वाले, उन्हें आपको अभी नहीं चलाना है। अब हनुमान जी की पूजा प्रारंभ होगी। सबसे पहले आप हनुमान जी को तुलसी की माला अर्पित करेंगे, यानी उन्हें बनाएंगे, जो भी उनकी फोटो या मूर्ति है उसे आप पहनाएंगे। उसके बाद आप हनुमान जी को लाल रंग का सिंदूर, फिर उसके बाद उन्हें लाल रंग के वस्त्र अर्पित करेंगे, और उसके बाद आप धूप जलाएंगे और नैवेद्य यानी प्रसाद जो आपने मंगाया है उसे हनुमान जी को अर्पित करेंगे। इसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ करना है, लेकिन पाठ प्रारंभ करने से पहले आप संकल्प अवश्य कर लें। संकल्प लेने की प्रक्रिया यह रही कि एक तुलसी की पत्ती और हथेली में जल आपको लेना है, और उसके बाद आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हम आपका यह उपाय करने जा रहे हैं और इस उपाय से हमारी यही इच्छा है। जो भी आपकी मनोकामना हो, और सबसे अच्छा तो यह होगा कि आप हनुमान जी से यह मांग है कि भी आपके हर वक्त साथ रहे और आपकी हर कार्य में मदद करें, यही आपकी मनोकामना होनी चाहिए। बस इस मनोकामना को मांगने के बाद आपको वर्जन हनुमान जी की फोटो के सामने छोड़ देना है।
यही हुआ संकल्प लेना। सामान्य तौर पर तो यही प्रक्रिया है, विशेष प्रक्रिया आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं, इतनी से ही आपका काम हो जाएगा। बस आपको यही करना है और उसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ करना है। अब ध्यान से सुनिए कि वैसे तो नियम के अनुसार आपको हनुमान चालीसा के 108 पाठ करने चाहिए, फिर भी यदि आप 108 पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप 54 पाठ कर सकते हैं या 27 पाठ कर सकते हैं, लेकिन आपको असली फल प्राप्त तभी होगा जब आप हनुमान चालीसा के 108 पाठ करते हैं। तो आप 54 पाठ कर सकते हैं या 37 पाठ कर सकते हैं, लेकिन आपको असली फल प्राप्त तभी होगा जब आप हनुमान चालीसा के 108 पाठ करते हैं। तो आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो एक सभा घंटे में आपका यह पूरा पाठ समाप्त हो जाएगा। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि 11 बजे से पहले आपको यह पाठ समाप्त करने होंगे, यानी कि आपका उपाय 9-12 बजे से प्रारंभ होगा और रात्रि को 11 बजे तक चलेगा। अब ऐसा इसलिए क्योंकि 11 बजे से पितरों का समय प्रारंभ हो जाता है और उस समय आपको यह बात नहीं करना है। और एक और खास बात कि आप जब यह पार्टी, तो बीच में आप किसी से एक भी शब्द कोई बात नहीं करेंगे और ना ही कोई आपसे बात करेगा या नहीं, टोका टाकी का कोई हिसाब किताब नहीं है। दोस्तों, उपाय गुप्त ही होना चाहिए, किसी से इस विषय पर अधिक चर्चा, यदि आपके घर में लोगों को पता चल भी जाए तो उन्हें आप पहले ही कह दें कि कोई आपके पास ना आए और ना ही आपसे किसी भी प्रकार की बात करें। तो दोस्तों, जब आपका 108 वॉट का यह उपाय चल रहा होगा तब आपको एक कार्य और करना है कि हर एक चालीसा पाठ के बाद आपको जो लोटे में जल आपने लिया है उसमें फूंक मारना है। ऐसे करके आपकी 108 चालीसा के 108 फुट उस जल में हो जाएंगे। इससे यह जल आपका अभिमंत्रित हो जाएगा। फिर इस जल का प्रयोग कैसे करना है हम आगे आपको बताते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों, जब आपकी 108 चालीसा के पाठ समाप्त हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, भेजो 8 दीपक आपने बनाई थी, गाय के घी से उन्हें प्रज्वलित करना है और हनुमान जी की आरती करनी है। साथ ही साथ अंत में आपको बजरंग बाण का पाठ अनिवार्य तौर पर करना ही होगा। अब जो आपने हनुमान जी का आसन बनाया है और जो व्यवस्था आपने बनाई है, यानी उन्हें फूल अर्पित किया, प्रसाद अर्पित किया, वह साहब आप रात्रि भर के लिए छोड़ देंगे। जेसिका पैसा ही फोटो उठाकर पूजा घर में नहीं रखेंगे, उसे ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। और जो 8 दीपक जलाकर आपने हनुमान जी की आरती की है उन्हें भी आप वहीं के वहीं प्रचलित छोड़ देंगे। लेकिन वह दीपक जो सबसे बड़ा है उसे आप यदि रख सकते हैं तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रखें और बीचों बीच रखें, क्योंकि यह दीपक रात्रि भर चलना चाहिए। दोस्तों, यदि आप दरवाजे पर से नहीं रख सकते तो आप अपने घर के आंगन में रख दें और कुछ ऐसी व्यवस्था जमा है कि यह दीपक रात भर जले, अखंड होना चाहिए। दोस्तों, रात्रि पर यह दीपक जलेगा तो आपके घर में हनुमान जी की शक्ति निश्चित तौर पर आएगी, क्योंकि यह हनुमान जी की शक्ति का आवाहन है। और जब हनुमान जी की शक्ति आएगी तो आपके इस उपाय की प्रबलता को देखकर हमारी आपसे प्रसन्न होंगे और आपको जीवन भर सुखी रहने का आशीर्वाद देंगे। जी हां दोस्तों, अब हो सकता है कि इस दीपक की रखवाली करने में आपको रात्रि भर सोने को ना मिले, लेकिन दोस्तों, रात भर जागने में भी कुछ आपका बिगड़ेगा नहीं, आपको प्राप्त ही होगा। मान जी का आशीर्वाद जो कि अमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं है। दोस्तों, इस उपाय को आप करेंगे और आप चमत्कार देखेंगे। इसके बाद दोस्तों, एक कार्य आपको और करना है कि अगले दिन रात्रि में आप रामनवमी की पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद 21 दीपक जी के जलाकर आप हनुमान जी के मंदिर अवश्य जाएं, यानी आप वहीं जाकर उन युवकों को जला सकते हैं और हनुमान जी को समर्पित करके आए हैं। अब आप देखेंगे कि आपका उपाय कैसे फलित होता है और कैसे अगले ही दिन से आपको चमत्कार होने महसूस होने लगेंगे। दोस्तों, यकीन मानिए, यह उपाय बहुत ही गुप्त है, इसके विषय में लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है। अब आपको पता चल गया है, आप किसका प्रयोग करके देखना। अब आपको बताते हैं कि अगली क्रियाएं आपको क्या करनी है। ये तो एक क्रिया हुए, अब आपको कुछ छोटी छोटी क्रियाएं और भी करनी है, क्योंकि हमने आपको कहा कि भगवान धन्वंतरी और माता अन्नपूर्णा, इनका भी आपको पूजन करना है और इनका भी एक छोटा छोटा उपाय है जो आपको करना है, माता लक्ष्मी की और भगवान गणेश की। तो आप पूजा पाठ करेंगे ही उनका कुछ नहीं, लेकिन हिंदू देवी देवताओं का भी खानापुर रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इनकी शक्ति भी रामनवमी के इस पर्व में, इस त्योहार में समाहित होती है।
इसका भी लाभ आपको मिलना बहुत ही अनिवार्य है। तो अब ध्यान से सुनिए कि आपको एक अन्न की पोटली बनानी है और यह अन्न की पोटली माता अन्नपूर्णा को समर्पित हो गई, तो रामनवमी की रात्रि जब आप पूजा पाठ कर लेंगे उसके बाद सात प्रकार के अनाज आपको एक पोटली में रखने हैं, जैसे गेहूं बाजरा है, यूआर है, वगैरह वगैरह, सात प्रकार के अनाज आपको एक पोटली में रखने हैं। पोटली सफेद रंग की होनी चाहिए दोस्तों, और उस पोटली में आप एक चांदी का सिक्का भी रखेंगे, साथ ही साथ हल्दी, एक लौंग का जोड़ा और एक इलायची का जोड़ा और सुपारी, इतनी चीजों को आप उस पोटली में रखेंगे और उस पोटली को माता अन्नपूर्णा को समर्पित करेंगे, यानी मन में यह भाव रखेंगे, ये पुतली माता अन्नपूर्णा की है और उन्हीं को समर्पित है। ये जो अन्न की पोटली है, इस पोटली को आपको अपने घर की तिजोरी में, ये जहां भी आप ध्यान रखते हैं उस जगह पर आपको रखनी है दोस्तों। इससे माता अन्नपूर्णा का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपके घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होगी। इससे भी बड़ी बात दोस्तों की, जब आपके घर में किसी प्रकार का भोजन बनेगा तो वह ऊर्जा वर्धक होगा, सकारात्मक होगा और हर एक प्रकार की बीमारी से लड़ने की शक्ति आपको प्रदान करेगा। जिन लोगों के ऊपर माँ अन्नपूर्णा की कृपा होती है उनके घर में बीमारियां कभी नहीं आती हैं, और यदि कोई बीमार होता भी है तो वह बहुत ही जल्द ठीक भी हो जाता है। आपने अक्सर ऐसे कई लोग देखे होंगे समाज में जिनके घर में लोग कभी बीमार ही नहीं होती है, और यदि छोटी मोटी कोई बीमारी होती भी है तो वह बहुत जल्दी अपने आप ही ठीक हो जाती है। ठीक इसके उलट भी आपने देखा होगा, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में लगातार बीमारी बनी ही रहती है, एक के बाद एक कोई ना कोई बीमार होता ही रहता है। यह सब इसी वजह से है कि माता अन्नपूर्णा की आपके ऊपर कृपा है या नहीं है, तो इस उपाय को करके आप माँ अन्नपूर्णा की पूर्ण कृपा अपने ऊपर प्राप्त और आपका जीवन सुखी हो जाएगा। अब बात करते हैं भगवान धन्वंतरि की। तो दोस्तों, आपने धन्वंतरि की फोटो देखी होगी, उनके हाथ में एक अमृत कलश होता है, यानी कि भगवान धन्वंतरि न केवल धन बल्कि आरोग्य, यानी कि किसी भी प्रकार की बीमारी से आपको बचाने की क्षमता रखते हैं, तो यह पूजा बहुत आवश्यक है। अब भगवान धन्वंतरि की पूजा रामनवमी से दो दिन पहले त्रयोदशी के दिन की जाती है, जिसे हम धनतेरस के तौर पर जानते हैं दोस्तों। अब इस दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा प्रदोष काल में, यानी कि शाम को 6 से 8 के बीच हो जानी चाहिए। तो आपको क्या करना है, इस दिन आपको भगवान धन्वंतरि की एक फोटो लेकर आनी है और शाम के समय, यानी कि जिस समय आप पूजा करेंगे उसी समय फोटो आपको अपने घर की रसोई घर में लगा देनी है। जब भी आप दरवाजा खोला तो सामने भगवान धन्वंतरि की फोटो लगी दिखाई देनी चाहिए। अब रसोई घर में क्यों, क्योंकि दोस्तों भगवान धन्वंतरि का वास घर में, रसोई घर में ही माना जाता है, तो वही आपको ये फोटो लगा देनी है। साथ ही साथ आपको भगवान धन्वंतरि के नाम से अपने घर में एक दीपक जलाना है, और एक दीपक किस जल स्रोत के पास जलाना है, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भगवान धन्वंतरि की उत्पत्ति जल से ही हुई थी, तो एक दीपक जल स्रोत के पास जलाना है। जैसे कोई कुआं है, नदी है, या फिर कोई और अन्य प्रकार का जल स्रोत जहां से जल निकलता है, उत्पन्न होता है, ऐसे स्थान पर आपको चलाना है। बस इतना सा उपाय आपको करना है, इससे आपको भगवान धन्वंतरि का आशीर्वाद जीवन भर प्राप्त होता रहे। याद रखना है कि भगवान धन्वंतरि को भगवान श्री हरि विष्णु का वराह अवतार माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरि की उत्पत्ति हुई थी, जिनके हाथ में एक अमृत कलश था, उसी अमृत को पीकर देवता अमर हुए थे। जिस इंसान पर भगवान धन्वंतरि प्रसन्न हो जाते हैं उसके घर कभी धन संपत्ति की कमी होती ही नहीं है, उस इंसान के घर पर बात कर ली लगती है। भगवान धन्वंतरि को दिव्य चिकित्सक के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए भगवान धन्वंतरि हर इंसान को निरोगी होने का भी आशीर्वाद देते हैं। जी हां दोस्तों, तो यह तो था उपाय भगवान धन्वंतरि से जुड़ा हुआ एक आखिरी उपाय, जो कि धन की पोटली के नाम से जाना जाता है। हम इस विषय पर आपको अपनी पिछली कुछ ज्योतिष कार्यक्रम में भी बता चुके हैं, लेकिन इस ज्योतिष कार्यक्रम में फिर से आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। और यह धन की पोटली भी आप रामनवमी की पूजा के बाद बनाएंगे,
और इसे भी अपने घर के धन संग्रह वाले स्थान पर ही रखेंगे, यानी जहां आप ध्यान रखते हैं रुपए कैसे रखते हैं उसी स्थान पर रखेंगे। तो धन की पोटली आपको बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए एक मुट्ठी चावल, और इस पोटली को आप लाल रंग के कपड़े में बनाएंगे। कपड़ा पूरा होना चाहिए, पहले प्रयोग नहीं किया गया हो। अब एक मुट्ठी चावल, एक चांदी का सिक्का या फिर चांदी का कोई चौकोर टुकड़ा, इसी के साथ 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 लक्ष्मी कोनिया, साथ कमल घट्टे और सात गोमती चक्र, 112, एक लौंग का जोड़ा और एक इलायची का जोड़ा। इसी के साथ साथ दोस्तों आप एक कपूर का टुकड़ा भी इसी पोटली में रखेंगे। अब आप इस पोटली को बनाने से पहले ध्यान से सुनिए क्या करेंगे। पहले जिस कपड़े को आप होटल बनाने जा रहे हैं उस कपड़े पर आपको हल्दी से श्री लिख देना है। ये दोस्तों श्री लिखने के बाद आपको उस कपड़े के अंदर ये संपूर्ण सामग्री रखनी है, और संपूर्ण सामग्री को जब आप माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे यानी रामनवमी की पूजा करेंगे, और समय माता लक्ष्मी के फोटो के नजदीक रखती नहीं है। जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो उस पोटली को उठाकर माता लक्ष्मी को ध्यान करते हुए अपने धन संग्रह वाली स्थान पर रख देंगे। यह आपकी धन की पोटली हो गई। इसी के साथ सदा आपकी अन्य की पोटली भी आपके पास है। भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद भी आपके पास है, और हनुमान जी का विशेष उपाय तो आपने कर ही लिया है। बस इतनी क्रियाएं आपको करनी है, फिर देखिए कैसे चमत्कार होते हैं दोस्तों। जीवन आपका नाम, हर मनोकामना आपकी पूरी ना हो जाए तो हम गारंटी देते हैं। दोस्तों यह जो उपाय हमने आपको बताए हैं, इन उपायों के बारे में लोग कभी जानते नहीं हैं। जानते भी हैं तो आधी अधूरी जानकारी रखते हैं, पूरा ज्ञान नहीं रखते हैं, और इन उपायों को करवाने के बदले में ज्योतिषाचार्य और वास्तु एक्सपर्ट तमाम मोटी मोटी रकम लोगों से वसूलते हैं। लेकिन हमने आपको यह ज्ञान दिया है जो गुप्त है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका जीवन बदले और आपका जीवन सुखी हो जाएगा। इसी मनोकामना के साथ हम आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम को विराम देते हैं। आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां तारा अवश्य लिखें। माता का सीधा प्रेम, आशीर्वाद और कृपा आपको प्राप्त होगी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक ज्योतिष कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।